your main clip. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय स्टडी क्लासेस। आज आपका भाई कृपाल शर्मा लेके आया है नेक्स्ट चैप्टर आपका भारत के प्रमुख दर्रे का एक नया भाग। पहले हम दो पढ़ चुके हैं, मणिपुर और सिक्किम। मणिपुर में भी आपको मैंने बताया था और सिक्किम में, मणिपुर में एक दर्रा था, सिक्किम में दो दर्रे थे। अब तीसरा ले लेते हैं। तीसरा टॉपिक का नाम है जगह, आपको मैं बता देता हूँ। स्थान है उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड बहुत ही फेमस जगह है। तो दर्रे की बात करें तो उत्तराखंड बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में तीन फेमस दर्रे हैं। तीनों के मैं नाम आपको बता देता हूँ। पहला दर्रा है नीति दर्रा, दूसरा दर्रा है माना दर्रा, और तीसरा दर्रा है लिपुले। दर्रा, ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में पड़ते हैं। और उत्तराखंड इतना फेमस टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। ये आप हिमाचल की तरफ जाते हैं, बिल्कुल उधर ही पड़ता है आपका। उत्तराखंड की बात करते हैं, नीति दर्रा, नीति दर्रा की ऊंचाई आपको बता देते हैं 5068 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। बात करें माना दर्रा की, माना दर्रा है आपका 5548 मीटर, और लिपुले दर्रा की बात करें 5534 मीटर, ये इसकी लंबाई है। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि जो वहां पे उत्तराखंड में मंदिर है, फेमस मंदिर, ये माना दर्रा उसके पास में ही है। माना दर्रा उत्तराखंड के जो बद्रीनाथ का मंदिर है उसके पास में ही है। नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुले दर्रा, ये भी भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं, तिब्बत बाय चीन। ये तिब्बत के ऊपर चीन है और यहाँ से ही तिब्बत का होता है रास्ता। ये तीनों दर्रा तिब्बत से जोड़ते हैं, तो ये आपका हो जाता है इंडिया, तिब्बत एंड चाइना। ओके, तो ये तीन दर्रा मैंने आपको बता दिए हैं। तीनों दर्रा के नाम मैंने आपको बता दिए, इनके मीटर बता दिए हैं। माना दर्रा मंदिर से बिल्कुल चमीक होकर निकलता है। लिपुले दर्रा, ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। तीन लोकेशन के मैं आपको दर्रे बता चुका हूँ। तीनों लोकेशन में पहला आपका था मणिपुर, दूसरा था आपका सिक्किम, और तीसरा है आपका उत्तराखंड। इसके बाद आएगा आपका हिमाचल, हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर। ओके दोस्तों, महाराष्ट्र में भी दर्रे हैं, उनके भी नाम मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा किसका कितना मीटर और कहां पे किसको जोड़ता है। दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट है, अक्सर एग्जाम में आता है कोई ना कोई दर्रा। जो मणिपुर के दर्रे थे वो भी इसमें एक इंपॉर्टेंट है, सिक्किम के दर्रे में से आ जाता है, उत्तराखंड के दर्रे से आ जाता है, और जम्मू कश्मीर के से खास आता है, क्योंकि उसमें कई दर्रे ऐसे हैं। जैसे सबसे बड़ा दर्रा का कौन सा है, सबसे छोटा दर्रा कौन सा है, कौन सा दर्रा तिब्बत को जोड़ता है भारत से, कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो हमको ध्यान देना है, सिर्फ बहुत छोटा छोटा मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक टॉपिक करके आपका खत्म कर रहा हूँ। ऐसे ही आगे मैं आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल, महाराष्ट्र जो बचे हुए हैं उन दर्रों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको सिर्फ वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके आप अपने सवाल मेरे साथ साझा कर सकते हैं। जो भी सवाल होंगे मैं आपको बाय बोर्ड समझा दूंगा, एक एक करके जो भी सवाल आते हैं। और जो आपका प्यार मुझे मिल रहा है, जिस तरीके से लोग मुझे देख रहे हैं, प्यार मेरे साथ साझा कर रहे हैं, उनके लिए दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ।